विभागीय उपक्रम या संगठन के लाभों को देखते हैं। अभी तक आपने देखा कि विभागीय उपक्रम क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। अब हम देखेंगे कि विभागीय उपक्रम के लाभ क्या हैं, मतलब व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। जो पहला आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पहला लाभ कहता है अधिकतम राजकीय नियंत्रण। जैसे कि बच्चों डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस से क्लियर है कि इसमें जो नियंत्रण होगा वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, राजकीय नियंत्रण होगा, मतलब सरकार का नियंत्रण ज़्यादा होगा। तो इस नियंत्रण का उद्देश्य क्या होगा, क्या आप जानते हैं? इसका उद्देश्य जो होता है वो सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना होता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जब सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना है या उनकी पूर्ति करना है तो नियंत्रण पूरा होल एंड सोल किसका होगा, सरकार का होगा या शासन का होगा या राज्य नियंत्रण होगा, हम यह भी कह सकते हैं। अगले लाभ की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरा लाभ कहता है पूर्ण गोपनीयता। देखिए बच्चों, अब ये डिपार्टमेंटल बेसिस में क्या होता है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर जो कार्य है उनको पूर्ण गोपनीय रूप से रखा जाता है। जो डिपार्टमेंट में जितनी भी स्ट्रैटेजीज बन रही है, स्ट्रैटेजीज मतलब जितनी भी क्रियाएं बन रही है या फ्यूचर के लिए क्या करना है, जितने भी नियोजन के या प्लानिंग के कार्य चल रहे हैं, उन सभी चीज़ों को क्या करना है, गोपनीय रखना है। उनको क्या करना है, बाहर नहीं लाना है, लोगों के बीच में आने नहीं देना है, चुपचाप वो काम करना है। तो यहाँ पे जो बात होती है गोपनीयता की, वो बहुत बड़ा मुद्दा है और यहाँ वो गोपनीयता मेंटेन की जाती है। अगर इसको एक उदाहरण को समझें तो जैसे सुरक्षा उद्योग हम ले सकते हैं, जिसमें BSF से लेकर के और भी अलग सुरक्षा उद्योग शामिल किए जाते हैं। ये लोग जैसे गोपनीयता को, पूर्ण गोपनीयता को मेंटेन करते हैं, वही बात इसके दूसरे लाभ के अंतर्गत आती है। हम अगले लाभ की तरफ बढ़ते हैं। अगला लाभ कहता है सरल स्थापना। देखिए बच्चों, इनकी जो स्थापना होती है वह जो क्रिया होती है वो बहुत ही सरल होती है, क्योंकि इन जो उद्योग हैं उनको क्या कराना पड़ता है, या डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस है या उपक्रम है, इनको किसी भी तरह के पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल क्या होता है, इनके लिए मंत्रालय से बस एक प्रस्ताव पारित हो जाता है, जिससे क्या होता है, इनकी स्थापना आसानी से हो जाती है। अगले चौथे हम जो है लाभ की ओर बढ़ते हैं। चौथा लाभ कहता है प्रभावपूर्ण नियंत्रण। अब इसमें क्या होता है, कैसे होगा प्रभावपूर्ण नियंत्रण, इसमें क्या होता है, जो उपक्रम होते हैं उसका जो प्रबंध होता है, संचालन होता है, नियंत्रण होता है, वो पूरी तरह मंत्रालय के अधीन होता है। ठीक है, तो इसमें जो अधिकारी आते हैं वो सिविल सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं और वो पूरी तरह से इस पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे कि हम पहले पॉइंट में या इसके पहले लाभ में देखे हैं कि अधिकतम राजकीय नियंत्रण होगा, जब राजकीय या सरकार का नियंत्रण होगा तो वहाँ पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण ही पाया जाएगा। अगला लाभ कहता है कि सार्वजनिक हिसाब देता। अब बात ये है कि ये जो उपक्रम हैं या संगठन हैं ये क्या करते हैं, सार्वजनिक हिसाब देता होते हैं या सार्वजनिक कार्य के लिए प्रेरित होते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे जो होने वाली आय हैं या उनसे जो होने वाले लाभ या हानि हैं उनको क्या किया जाता है, या इनका जो हिसाब किताब है उसको क्या किया जाता है, संसद में प्रस्तुत किया जाता है और उस पर बहस होती है, और अगर यह क्रिया नहीं होती है तो इसको नियम के विरुद्ध माना जाता है। बच्चों, तो इसके अब आपने पांचवें बिंदु को भी समझ लिया कि सार्वजनिक हिसाब किताब या सार्वजनिक हिसाब देता क्या है। छठवें बिंदु की ओर आगे बढ़ते हैं। छठवां बिंदु कहता है कि विशेष उद्योगों के लिए लाभप्रद। अब ये क्या होता है, विशेष उद्योगों के लिए। अब कुछ विशेष उद्योग कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, जैसे कि प्रतिरक्षा हो सकता है या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो सकता है या लोकोमोटिव वर्क्स हो सकते हैं। ये जितने तरह के उपक्रम या संगठन होते हैं इनमें जो विशेष उद्योगों के लिए, यही ऐसे उद्योग हैं जिनके लिए ये विभागीय उपक्रम लाभदायक हैं। अब क्यों सवाल उठता है, इस सवाल का सीधा सा जवाब यह है कि ये जो उपक्रम है ये क्या करें, प्रॉपर प्लानिंग के अंतर्गत या सही तरीके से नियोजन के अंतर्गत अपने कार्य को अंजाम दें, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करें। इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर जो है ये जो विभागीय उपक्रम हैं
ये यहाँ पे इन जो हमने उद्योगों की बात करी उन उद्योगों के लिए लाभप्रद होता है। इससे क्या होता है, ये जो उद्योग हैं प्रॉपर प्लानिंग के तहत अगर कार्य करते हैं तो अपना विकास एवं विस्तार बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, जो कि हमेशा जनहित में होता है। नेक्स्ट जो हमारा लाभ है वो कहता है सरकारी नीतियाँ लागू करने में सहायक। अब ये जो विभागीय उपक्रम होते हैं यहाँ पे जो नियंत्रण होता है वो मंत्रियों का होता है, तब जब मंत्रियों का नियंत्रण होगा या शासन का नियंत्रण होगा तो वहाँ पर क्या होता है, पूरे नियम कानूनों का पालन होता है और कोई भी कार्य करने से पहले उस कार्य को उन पूरे नियमों के तहत होकर जाना पड़ता है, तभी कोई कार्य या जो डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव है या जो प्लान किया या नियोजित किया गया उद्देश्य है उसको पूरा किया जा सकता है। आगे अगले लाभ की ओर बढ़ते हैं। अगला लाभ कहता है कि राज्य की आय का साधन। अब ये राज्य की आय के साधन भी होते हैं बहुत अच्छे। किस तरीके से मान सकते हैं अब इनको, जो यहाँ पे पहले से हम, या हम कह सकते हैं अच्छी भाषा में इसको, कि जो पूर्व निर्धारित नियम होते हैं उनके द्वारा ही इनका जो प्रोसेस है कार्य करने का या कार्य करने की कार्य विधि है उसको क्या किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, संचालित किया जाता है। और जिससे क्या होता है कि जब बहुत अच्छे आय आते हैं या आय की प्राप्ति होती है तो उसको राजकीय कोष में जमा किया जाता है, और इससे ये सिद्ध भी होता है कि ये बहुत अच्छे राजकीय आय के साधन होते हैं। अगला लाभ कहता है कि राजनीतिक स्थिरता के लिए उपयुक्त। यहाँ पे बात आ रही है राजनीतिक स्थिरता की। अब कैसे राजनीतिक स्थिरता की लिए उपयुक्त है, जहाँ पर जो सरकार स्थिर होती है वहाँ पर उनके प्रशासन की जो व्यवस्था है वो उत्तम पाई जाती है, इसलिए यहाँ कहा गया है कि राजनीतिक स्थिरता के लिए उपयुक्त होते हैं। अंतिम लाभ की ओर हम बढ़ रहे हैं। अंतिम लाभ कहता है कि सरल वित्त व्यवस्था। जैसे कि अभी तक आप जानते आए हैं कि इन उपक्रमों को जो पूंजी है वो कौन देता है या जो पैसों की मदद कौन करता है, इन उपक्रमों को जो पूंजी इनमें कौन लगाता है वो सरकार लगाती है, इसलिए यहाँ पे सरल वित्तीय व्यवस्था पाई जाती है। तो बच्चों इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आपने इनके लाभ को जाना। आइए अब हम जानते हैं कि इनमें पाए जाने वाले दोष क्या हैं, यानी व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल इंटरप्राइजेस। जैसे कि आप जानते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो जब लाभ होता है तो कुछ हानियां भी पाई जाएंगी। हानियों के बारे में जानते हैं कि वो हानियां क्या हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कुछ हानियों को, हम इन हानियों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले लेते हैं, पहली हानि कहती है अधिकारों का केंद्रीकरण। अब यहाँ देखिए बच्चों, केंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ, आप जैसे विभागीय उपक्रम समझ रहे हैं, मतलब डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, मतलब कोई ना कोई इसका एक उच्च अधिकारी होगा। अब वो जब उच्च अधिकारी है तो उसके पास जो होंगे सारे अधिकार होंगे, मतलब वहाँ क्या हो गया, अधिकारों का केंद्रीकरण हो गया। जब यहाँ पे अधिकारों का केंद्रीकरण हो गया मतलब वो उस डिपार्टमेंट का या विभाग का क्या हो गया, सर्वे सर्वा हो गया। मतलब किसी भी प्लानिंग या प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस अधिकारी से बात करनी पड़ेगी, उस अधिकारी को कन्वेंस करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, पूरे जो अधिकार हैं उनका केंद्रीकरण हो गया, तो जो बाकी अधिकारी हैं जो उस टॉप मोस्ट अधिकारी से नीचे पोस्ट पे हैं उनके पास जो होते हैं अधिकार वो बहुत कम होते हैं या नाम मात्र को ही होते हैं, हम ये भी कह सकते हैं, जिससे कि कार्य जो है उसकी पूर्ति बहुत धीमी गति में होती है, या जो उद्देश्य है जिसकी ओर ये डिपार्टमेंट्स आगे बढ़ते हैं या कह सकते हैं डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस आगे बढ़ रहे हैं, उनकी जो गति होती है कार्य करने की वो बहुत धीमी हो जाती है। अगले हम दोष की तरफ बढ़ते हैं। अगला दोष कहता है लोच का अभाव। अब जैसे कि बच्चों ये क्लियर कट है कि यहाँ पे जो अधिकारों का केंद्रीकरण हो गया है, यहाँ बहुत सारे मंत्री आ गए हैं, बहुत सारे अधिकारी आ गए हैं, तो बहुत सारे नीति एवं नियमों का पालन भी करना पड़ेगा क्योंकि ये सरकार के पूरे अधीन होता है इनका कार्य। तो अब क्या होता है, यहाँ पे लोच का अभाव हो जाता है, मतलब कोई भी कार्य जो है फ्लेक्सिबल रूप से आगे नहीं बढ़ेगा। उसको मान लीजिए कोई पेपर वर्क ही करना है तो वो हर टेबल से गुजरेगा और हर अधिकारी के टेबल से गुजरने के बाद उसमें हो सकता है बहुत सारे लूप होल्स भी पाए जाएं, या बहुत हो सकता है ना होने का बाद भी
जो खामियां हैं उनको उत्पन्न कर दिया जाए, तो यहाँ लोचता का अभाव पाया जाता है कि कोई भी कार्य बहुत ही आसानी से पूरा नहीं होता है। जो नेक्स्ट हमारा जो तीसरा दोष है वह कहता है कि योग्य कर्मचारियों का अभाव। सीधी सी बात है कि जब हम डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज या विभागीय उपक्रम या संगठन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो अधिकारी काम करते हैं वो सिविल सर्विसेज से चुने हुए कुछ अधिकारी होते हैं। और क्या होता है, ये जो अधिकारी होते हैं समय समय पर इनका क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है, मतलब उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो क्या होता है, यहाँ पे जो प्रॉपर कर्मचारी होते हैं उनका अभाव भी पाया जाता है। उस वजह से जब बार बार लोग बदलेंगे तो बार बार काम करने का तरीका बदलेगा, मतलब वहाँ जो प्रबंधन है और संचालन नियंत्रण सब कुछ चेंज होते रहता है। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ जो योग्य कर्मचारी है उनका अभाव भी पाया जाता है, ऐसा भी कहा जा सकता है। अगला जो दोष है वो कहता है कि लाल फीताशाही यानी रेड टेपिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया रेड टेपिंग क्या है। रेड टेपिंग में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होना और उन पेपर वर्क को समय से ना करना, पेंडिंग फाइल्स में डाल देना, तो इससे क्या होता है, यहाँ पे रेड टेपिंग इस परिस्थिति को या इस क्रिया को कहा गया है जिसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है और कार्य जो होता है पूरा ही नहीं होता है, उसको कई लंबे समय के लिए लाल फीतों की फाइलों में बांध करके रख दिया जाता है। तो इस तरह के कार्य के कारण भी ये जो दोष होता है वो विभागीय उपक्रम में पाया जाता है। अगला जो दोष है वो कहता है सीमित क्षेत्र। अब सीमित क्षेत्र की अगर बात करें तो ये जो विभागीय उपक्रम होते हैं वो किस लिए कार्य करते हैं, जनहित और सुरक्षा संबंधी के लिए ये लोग कार्य करते हैं। और ये जो लाभ होते हैं, इनके जो लाभ पाए जाते हैं, इनमें जो लाभ होता है बहुत कम मात्रा में हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ, नियमों का पालन करना भी अनिवार्य हो गया, मतलब इनका जो क्षेत्र है वो बहुत ही सीमित क्षेत्र में ये लोग कार्य करेंगे, इसे स्पष्ट होता है। तो इनका जब क्षेत्र सीमित होगा तो इनमें जो जो समय के साथ हम कहते हैं ना इंसान सीखता है या इसमें और भी ज़्यादा गुण डेवलप होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सीमित क्षेत्र के कार्य में नहीं हो पाती, जिससे क्या होता है कई कर्मचारी या कई अधिकारी ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ या बहुत सारी गुण भी पाए जाते हैं जो कि सीमित क्षेत्र होने के कारण इन विभागीय उपक्रमों के उनके गुणों का उपयोग नहीं कर पाते, तो या उनकी योग्यता या उनकी कौशल का उपयोग नहीं कर पाते। तो यहाँ पे एक इसका दोष यह भी होता है कि यह सीमित क्षेत्र में होता है। जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्क्रीन पर जो अगली हानि है वो है हानियों की उपेक्षा करना। यहाँ पे जो अधिकारी या कर्मचारी होते हैं उनको स्पष्ट रूप से पता होता है कि अगर कुछ हानियाँ होती हैं तो उनसे उनके वेतन को कोई असर नहीं पड़ेगा या उनके वेतन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो लोग क्या करते हैं, बड़ी कैजुअल हो जाते हैं। कैजुअल हो जाते हैं मतलब कि ठीक है, हो गया ना नुकसान, सरकार देख लेगी इसका। तो इन चीज़ों की या इस प्रकार के व्यवहार की वजह से क्या होता है, हानियों की उपेक्षा होती है, जिसमें कई बार क्या होता है सरकार को बहुत बड़ी हानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और अगले हानि को देखते हैं। अगली हानि कहती है कि प्रेरणा की कमी। मैंने कुछ चीज़ें आपको पहले भी बताई कि यहाँ अधिकारियों का केंद्रीकरण हो जाता है, मतलब एक आदमी के पास या जो पहला अधिकारी है, जो टॉप मोस्ट लेवल का अधिकारी है, वो सर्वे सर्वा हो गया, होल सोल उसके पास सारे अधिकार केंद्रित हैं। तो बाकी अधिकारियों के पास क्या हो गए, जो अधिकार है वो नाम मात्र को रह गए। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने आपको ये भी समझाई थी कि यहाँ पर जो है निजी लाभ का उद्देश्य कहीं दिखता नहीं है। इस वजह से क्या होता है, इन दोनों कारणों के वजह से ही क्या होता है, यहाँ पे प्रेरणा की कमी पाई जाती है, जिससे कि जो अधिकारी होते हैं बहुत ही तल्लीनता से या अपनत्व से या बहुत मन लगाकर काम नहीं कर पाते। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि जो सिविल सर्विसेज के अधिकारियों की यहाँ नियुक्ति की जाती है, अब उनका बार बार स्थानांतरण हो जा रहा है या ट्रांसफ़र हो जा रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे योग्य कर्मचारियों का भी अभाव हो रहा है। तो ये कुछ रीज़न हैं जो कि यहाँ पे प्रेरणा की कमी को सामने लाते हैं। अगले हानि की तरफ बढ़ते हैं। अगली हानि कहती है कि करदाताओं का भार। अब क्या होता है, मान लीजिए
किसी भी उपक्रम में या डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज में किसी प्रकार की हानि हो रही है, ठीक है। अब जो उससे होने वाली हानि होगी उसका भार किस पर पड़ेगा, सरकारी खजाने पे पड़ेगा। अब सरकारी खजाने को मेंटेन करना ज़रूरी है ना, ऐसा तो नहीं है कि खदान खोद रहे हैं बहुत सारा पैसा निकल रहा है, नहीं है। तो अब ये खजाने में जो है पूंजी को हमेशा बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, सरकार कहाँ से लाएगी ये पैसा, जो सरकार है वो कहाँ से लाएगी, वो जनता से ही इसकी भरपाई कराएगी। अब जनता कैसे करेगी उसकी भरपाई, टैक्स पे करके। तो कुल मिला करके जो पूरा भार किस पर पड़ता है, जनता पर पड़ता है। तो इसीलिए इसकी की करदाताओं का भार, ये वाली जो दोष है ये भी सामने आती है। नेक्स्ट जो दोष कहता है वो है संसदीय हस्तक्षेप। यहाँ क्या होता है, मंत्रियों का या संसद में सारी कार्यवाही होती है, इस वजह से इनका हस्तक्षेप हमेशा बना रहता है। और जो भी वित्त से रिलेटेड और जितनी भी स्ट्रैटेजीज फॉर्मेशन हो रही है, स्ट्रैटेजीज फॉर्मेशन मतलब जो एक्टिविटीज़ या क्रियाएं आगे होने वाली उनको किस तरीके से किया जाए, ये सारी चीज़ों पर जो विवाद होते हैं वो लोकसभा में विवाद होते हैं, चर्चा होती है, तो यहाँ पे संसदीय हस्तक्षेप को माना जा सकता है। और दसवां और अंतिम हानि या अंतिम दोष इसका कहता है कि शीघ्र कार्यवाही की कमी। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे केंद्रीय नियंत्रण व्यवस्था वह अत्यधिक औपचारिक एक्टिविटीज़ या क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, किसी भी डिसीज़न को लेने में बहुत समय होता है। जैसे कि अब मैंने आपको पहले ही बताया कि शीघ्र कार्यवाही क्यों कमी हो जाएगी, मान लीजिए कोई उद्देश्य डिसाइड किया गया है, उसको पूरा करने के लिए प्लान किया जा रहा है, अब क्या होगा, वो प्लानिंग कैसे आएगी। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पे एक ऑर्डर बना हुआ है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक। अब डी को अगर ए तक बात कोई पहुँचानी है तो वो कैसे पहुँचाएगा, डी जो है सी से बात करेगा, सी से फिर बी तक जाएगा, बी से फिर ए तक जाएगा, फिर ए तक जब बात पहुंचेगी, अब ए को डी तक पहुंचाना तो वो डायरेक्ट नहीं करेगा, फिर ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो इस स्थिति में क्या होता है, जो शीघ्र कार्यवाही होनी चाहिए या जो क्विक डिसीजंस होने चाहिए वो क्विक डिसीजंस नहीं लिए जा पाते। यही जो थे ये इसके 10 दोषों को आपने या 10 हानियों को आपने इस तरीके से जाना है। बच्चों अब आपने क्या किया कि विभागीय उपक्रम या संगठन के लाभ भी देख लिए और उनकी हानियां भी देख लिए। आइए अब हम देखते हैं कि उनकी उपयोगिता क्या है। सिंपल भाषा में अगर देखें तो अगर उपयोगिता की बात करें तो जहां सार्वजनिक हित या पूर्व सरकारी नियंत्रण की बात करें तो यहाँ पर इसकी उपयोगिता पाई जाती है, किसकी, विभागीय उपक्रम की। अगर बात करें कि गोपनीयता कहाँ ज़रूरी है, अगर बहुत किसी उपक्रम में गोपनीयता की भूमिका अगर हम माने तो कहाँ होती है, विभागीय उपक्रम में होती है, ठीक है। अगर निजी क्षेत्र की भागीदारी को हम शून्य माने और वहाँ सरकार का पूरा तरह नियंत्रण माने तो वो कहाँ उपयोगी होगा, वो भी विभागीय उपक्रम में होगा। साथ ही साथ जहाँ अधिक निवेश की आवश्यकता है लेकिन होने वाले लाभ जो हैं वो अच्छे होंगे इसकी गारंटी नहीं होती, तो वहाँ पे भी विभागीय उपक्रम की उपयोगिता मानी जा सकती है। तो बच्चों इस तरीके से आपने पूरा का पूरा विभागीय उपक्रम का कॉन्सेप्ट, उसकी विशेषताएं, उसकी लाभ, उसकी हानियाँ, साथ ही साथ उसकी उपयोगिता को भी समझा है। आइए अब हम चर्चा करते हैं हमारे दूसरे जो निगम है उसके बारे में, जिसे हम कहते हैं वैधानिक या सार्वजनिक निगम। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं स्टैट्यूटरी और पब्लिक कॉरपोरेशन। तो बच्चों अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्थापना की। तो अगर स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना होती है ये जो होती है संसद या विधानसभा में एक विशेष अधिनियम के अंतर्गत होती है। और ये जो निगम होते हैं हम कह सकते हैं, या ये जो उपक्रम होते हैं ये निर्गमित उपक्रमों के क्षेत्र में आते हैं या इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, हम इंग्लिश में कह सकते हैं। इसके बाद इसमें जो प्रबंध तथा संचालन होता है उससे संबंधित सारी व्यवस्थाएं इसी अधिनियम के अंतर्गत की जाती हैं, जिसके अंतर्गत इनकी स्थापना संसद तथा विधानसभा में हुई है। और इसी अधिनियम में क्या होता है, इनकी शक्तियों तथा विशेषाधिकारों को नियंत्रित भी किया जाता है या उन पर किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा इसका भी उल्लेख होता है।
अब हम अगर बात करें तो सरकारी जो विभाग होते हैं इनके साथ इनके संबंध को भी आगे स्पष्ट किया जाता है कि कौन से मंत्रालय के साथ इनके कैसे संबंध रहेंगे, और हम इन्हें कह सकते हैं कि एक पृथक वैधानिक अस्तित्व रखते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं इनका जो पूंजी अर्जन या आर्थिक अर्जन जो होता है ये जो अलग रूप से करते हैं, ये खुद ही क्या कर सकते हैं किसी के ऊपर अगर उनके कोई विपक्षकर हैं तो उनके ऊपर कोर्ट केस कर सकते हैं या इनके ऊपर भी वो लोग कोर्ट केस कर सकते हैं, और कोई भी निर्णय लेने से पहले इन्हें सरकार की अनुमति लेना आवश्यक नहीं होता। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है सरकार का हस्तक्षेप या इनके दैनिक कार्यों में जो सरकार का हस्तक्षेप नहीं पाया जा सकता, हम ऐसा भी कह सकते हैं। अगर हम अगली बात करें तो यहाँ पे जो संपूर्ण पूंजी को लगाई जाती है ये सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक है। ये जो निगम होते हैं ये पूर्णतः जो है सरकार के स्वामित्व में होते हैं। एक बात और कहने की है कि यहाँ जो पूंजी की बात की गई है ये सरकार द्वारा दी जाती है, और आवश्यकता पड़ने पर ये जनता के द्वारा भी इनको ये मांग कर सकते हैं या जनता से भी ये ले सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में और जानते हैं। ये जो निगम होते हैं, जो वैधानिक या सार्वजनिक निगम की बात कर रहे हैं, इनको क्या होता है, जो हमने बात की थी इनकी इनका जो आय और व्यय है वो सरकार के वार्षिक बजट में लिया जाता है, और साथ ही साथ इनकी जो वित्तीय व्यवस्था है ये उस पर खुद आत्मनिर्भर होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये अपना आर्थिक अर्जन खुद करते हैं, और साथ ही साथ इनमें क्या किया जाता है कि इनके प्रबंध के लिए या इनके मैनेजमेंट के लिए एक संचालन मंडल बहुत अलग तरीके से बनाया जाता है, और इन जो निगमों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही होता है कि जनसेवा करना। और सरकार का, जैसे मैंने बताया कि इनके डे टू डे लाइफ में या डे टू डे वर्किंग स्टाइल में या दैनिक कार्यकलापों में या क्रियाकलापों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप सरकार का नहीं पाया जाता। तो बच्चों, इस तरीके से आपने जो है वैधानिक या सार्वजनिक निगम के बारे में जाना, ठीक है। अब कुछ परिभाषाएँ देखते हैं कि वो परिभाषाएँ हैं क्या। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो पहली परिभाषा है वो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने दी हुई है। उनके अनुसार वैधानिक निगम सरकारी सत्ता का परिधान पहने हुए हैं, किंतु व्यक्तिगत उपक्रम की लोच, कार्यक्षमता एवं प्रेरणा से युक्त हैं। एक और परिभाषा देखते हैं, दूसरी परिभाषा डॉक्टर हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार, लोक निगम सार्वजनिक हित की दृष्टि से लोक स्वामित्व, लोक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक प्रबंध का मिश्रण होता है। अब अगर हम इसको निष्कर्ष निकालें या इसका हम कंक्लूड करें कह सकते हैं, तो जो वैधानिक निगम या सार्वजनिक निगम जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो सीधा से सीधा एक इनकॉर्पोरेटेड उपक्रम होता है या निर्गमित उपक्रम होता है हम कह सकते हैं। इनकी जो स्थापना होती है वो संसद या विधानसभा में जो अधिनियम पारित होते हैं उनके अंतर्गत की जाती हैं। उसी अधिनियम में जो होता है इनका प्रबंध एवं संचालन की सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, साथ ही साथ इनको किस प्रकार के विशेषाधिकार शक्तियाँ दी जाएंगी ये भी दिए होते हैं, साथ ही साथ इनके अलग अलग मंत्रालयों से इनके क्या संबंध होंगे या कैसे संबंध, इनको कैसे जोड़ा जाएगा, इसकी भी विवेचना की जाती है। और एक बात इसकी निष्कर्ष में हम ऐड ऑन कर सकते हैं कि वित्तीय रूप से ये खुद ही निर्भर करते हैं अपने आप पर, और यह एक जो है सेपरेट एंटिटी की तरह कार्य करते हैं। मतलब इनका जो पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है हम ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जब खुद आर्थिक अर्जन करते हैं तो सरकार का इनके दैनिक क्रियाकलापों में कोई हस्तक्षेप नहीं पाया जाएगा। जिस वजह से क्या होगा, जब कोई हस्तक्षेप नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, अपने जो कॉरपोरेशन को खुद डेवलप करेंगे, उसका स्वयं विकास विस्तार करेंगे, साथ ही साथ ये क्या कर सकते हैं, लोगों पर कोर्ट केस भी कर सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति जो इनसे खुश नहीं है वो इन पर कोर्ट केस कर सकता है, और यहाँ पर कोई भी जो डिसीज़न लेना है उसके लिए इन्हें सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। और अंत में अगर इस
निगम के स्थापना के उद्देश्य की बात करें तो इस निगम के स्थापना का उद्देश्य जो होता है मात्र जनसेवा है। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्या जाना कि वैधानिक निगम या सार्वजनिक निगम क्या है। आइए अब हम कुछ वैधानिक या सार्वजनिक निगम को जानते हैं कि ये सार्वजनिक और वैधानिक निगम क्या हैं। आपने हालांकि इनके कुछ नाम सुने हुए हैं लेकिन हम आज इनके नामों को आपको प्रदर्शित करेंगे और आपको स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या करेंगे कि इन कॉरपोरेशंस को या इन उपक्रमों को इन वैधानिक या सार्वजनिक निगम के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला जो हम बात कर रहे हैं भारतीय जीवन बीमा निगम की बात कर रहे हैं, जो कि आप लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अच्छी तरीके से जानते हैं। दूसरी हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक, फिर आता है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, फिर आता है कर्मचारी राज्य बीमा निगम, फिर बात करते हैं केंद्रीय भंडार गृह निगम, फिर आता है भारतीय खाद्य निगम, उसके बाद आता है इंडियन एयरलाइंस और फिर एयर इंडिया, और लास्ट में हम आते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैसेस कॉरपोरेशन। तो बच्चों ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, ये जो पूरी की पूरी लिस्ट है, ये एक स्टैट्यूटरी या पब्लिक कॉरपोरेशन की लिस्ट है, या ये जो उपक्रम आते हैं वो वैधानिक और सार्वजनिक निगम के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि वैधानिक या सार्वजनिक निगम का कॉन्सेप्ट क्या है या ये होता क्या है और कौन कौन से उपक्रम इसके अंतर्गत आते हैं। आइए अब हम इसकी कुछ विशेषताओं को देखते हैं और अच्छे स्पष्ट रूप से इसके कॉन्सेप्ट को जानने का प्रयास करते हैं। जो अगर आप विशेषताएं जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहली विशेषता इसमें कहती है स्थापना यानी फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने पहले ही आपको इसकी स्थापना के बारे में बताया, इसकी स्थापना जो होती है संसद या विधानसभा में अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। जो दूसरी विशेषता ये कहते हैं वो है स्वामित्व यानी ओनरशिप। इसमें पूरी तरह से ये में सरकार का स्वामित्व होता है। आगे हम बढ़ते हैं तीसरा प्रबंध। यहाँ पे जो होता है प्रबंध सरकार द्वारा मनोनीत संचालकों द्वारा किया जाता है, इसमें जो मैनेजमेंट किया जाता है। चौथा इसकी विशेषता हम देख रहे हैं वो कहता है कि वित्त व्यवस्था यानी फाइनेंसिंग। जैसे कि मैंने आपको इसके कॉन्सेप्ट में बताया जब इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, तब मैंने बताया इनको सरकार की तरफ से पूंजी दी जाती है लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तो ये जो होते हैं कुछ अमाउंट या जब आवश्यकता पड़ने पर जो पैसों को जनता से भी ले सकते हैं या उनसे मांग सकते हैं, ये इनको अधिकार प्राप्त हैं। हम आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं नियुक्तियों की या अपॉइंटमेंट्स की। इनमें जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं इनके खुद के संचालन मंडल द्वारा किए जाते हैं और डिफरेंट एग्ज़ाम शेड्यूल किए जाते हैं और उन एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के बाद ही इनमें जो होते हैं अपॉइंटमेंट्स दिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं विशेषता की, वो कहता है पृथक वैधानिक अस्तित्व यानी सेपरेट लीगल एंटिटी या एग्जिस्टेंस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनकी पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है क्योंकि यह खुद जो होते हैं वित्तीय रूप से स्ट्रांग कर रहते हैं और वित्तीय व्यवस्था के लिए आत्मनिर्भर होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो होते हैं इनके दैनिक कार्यकलापों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता और किसी भी तरह के डिसीजंस लेने से पहले इनको सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या कर सकते हैं, ये अपने अंडर कोई डिसीजंस लेने हैं तो ये डिसीजंस ले सकते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं और अगर इनका किसी पक्षकार के साथ नहीं जम पा रहा है तो वो उसके अगेंस्ट स्यू कर सकते हैं, मतलब कोर्ट केस कर सकते हैं, और जो दूसरा पक्षकार है वो भी इनके अगेंस्ट क्या कर सकता है, कोर्ट केस कर सकता है। तो इससे पृथक वैधानिक अस्तित्व को हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फिर बात आती है प्रशासनिक स्वतंत्रता की यानी एडमिनिस्ट्रेटिव की। यहाँ पे क्या होता है, जो विभिन्न राजनीतिक शक्तियाँ होती हैं उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ये प्रशासनिक रूप से स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करते हैं, पूरा प्रबंधन इनके हाथ में होता है, जब भी कोई डिसीजंस लेने हैं ये अपने एंड पे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे वो डिसीजंस को ले सकते हैं। हम यहाँ निर्णयों की बात कर रहे हैं, ये स्वतंत्र रूप से इन्हें प्रशासनिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, यहाँ पर किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता या सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। इन्हें कोई भी निर्णय लेना होता है तो यह अपने से स्वयं से किसी भी निर्णय को ले सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमने इनकी विशेषताओं को जाना।